दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में मिले 4 और नए मामलों के साथ ही राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 77 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में आया था। इन सब के बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स के दावों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, देश में जिस तरह ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा होने लगा है। उधर एक सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट का बयान डरा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सेठ की माने तो ये अटल है और तीसरी लहर आने वाली है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा, खासतौर से उन लोगों के लिए जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं। देश भर में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी का संज्ञान लेते हुए सेठ ने कहा कि हम वास्तव में जोखिम में हैं और हमें तैयारियों की जरूरत है। ओमिक्रॉन संक्रमण पहलुओं पर ध्यान देते हुए डॉक्टर सेठ ने कहा, संस्करण बेहद संक्रामक है और ये हमारी इम्यूनिटी से बच जाता है, यानी वैक्सीनेशन के असर को भी ये कम कर सकता है। डॉक्टर सेठ ने कहा कि बीमारी की गंभीरता पूरी तरह से किसी के शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित है। भारत एक विशाल देश है और अस्पताल में बहुत सारे मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। डॉक्टर सेठ ने ओमिक्रॉन मामलों को लेकर इंग्लैंड के उदाहरणों का हवाला दिया और कहा, इंग्लैंड में जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है और जिनकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये संस्करण एक आपातकालीन समस्या पैदा नहीं करेगा जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देते हुए डॉक्टर सेठ ने कहा, दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन मौतें कम रही हैं। मुझे आशा है कि वही स्थिति पूरी दुनिया में बनी रहेगी। डॉक्टर सेठ ने इस नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने और बूस्टर डोज देने की व्यवस्था तत्काल किए जाने पर जोर दिया। जाहिर है, देश में जिस तरह ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उससे एक्सपर्ट्स के दावों को बल मिल रहा है। ऐसे में हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट।